हाल है दोस्तों। जैसा आप लोगों को पता है, मैं पिछले कुछ वीडियो से आपको बलूचिस्तान की टूरिस्ट पॉइंट दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आप लोग जाके एंजॉय कर सकते हैं पिकनिक वगैरह के लिए। आज की जो वीडियो है वो सीरीज की लास्ट वीडियो, और आज हम लोग जा रहे हैं पीर गैप वाटरफॉल्स, जो कि है बोलान में। पीर गैप कोयटा से 70 किलोमीटर दूर है बोलान में, और ये एक ऐसी जगह है जिसका बलूचिस्तान के लोगों के अलावा और सूबे वालों को नहीं पता। और जैसे आप कोयटा से बोलान की तरफ जाने लग जाते हैं, आपको दिखती है अंग्रेजों की दौर की सुरंग, जो कि अभी तक यूज में है। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय पीटीडीसी। नेशनल टूरिज्म स्ट्रेटजी एक 5 साल मंसूबा बनाया गया है टूरिज्म ब्रांड के हवाले से, जिसमें हर तरह से पाकिस्तान के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हिकमत अमली बनाई गई है। तो ये एक ऐसे स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से ब्रांड पाकिस्तान पूरी दुनिया में पाकिस्तान के टूरिज्म और मार्केट और स्कोप को दुनिया के आगे लेके आएगा, और ये ब्रांड पाकिस्तान के टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ओके, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पीर गैप वाटरफॉल्स। और लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था, 3 साल पहले आया था, ये मैं 3 साल के बाद आ रहा हूँ। पीछे आप देख रहे हैं बहुत तरक्की हो गई यहाँ पे, इन्होंने पूरा ये गाड़ियों का सीन है, यहाँ पे आप गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं, और अंदर मुझे झूले वूले भी बच्चों के लिए दिख रहे हैं। तो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि चेंज किया क्या किया है। ओके, जिस तरह आप पीर गैप में एंटर होते हैं, राइट साइड पे आपको मिलते हैं ये सारे स्लाइड्स, ये बच्चों के लिए झूले हैं जो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। और अपेरेंटली यहाँ पे जो आपके भाई भी हैं, देखें सिर्फ बच्चे नहीं, हम जैसे बड़े लोग भी ले सकते हैं। हम पीर गैप वाटरफॉल आए हैं। मैं वैसे कोयटा में काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ, तो मैं कभी पीर गैप नहीं आया। मैंने वाटरफॉल का काफ़ी सुना था, तो सुना काफ़ी वंडरफुल वाटरफॉल है, तो चले देखते हैं कैसा लगता है। ओके, कोयटा से जब हम लोग निकले थे तो बहुत ज़्यादा जो वहाँ पे सर्दी थी, यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे जो वो बारिश शुरू हो गई, हमें पता नहीं था कि बारिश शुरू हो जाएगी। जब भी मैं यहाँ पे आया हूँ ना, तो यहाँ पे बहुत गर्म वाला मौसम होता है। हम लोग गर्मी में ज़्यादातर आते हैं क्योंकि ये गर्मियों की पिकनिक पॉइंट है। यहाँ पे आप नहा सकते हैं, वाटरफॉल है, हर चीज़ है, आप जैसे देख सकते हैं खजूरों के दरख्त है। आज जो है वो काफ़ी सर्दी है यहाँ पे। पीर गैप वाटरफॉल्स जो है वो पहाड़ में वहाँ से कोने में जो है वहाँ से पानी निकलता है, और ये एक तरह का पहाड़ है, और हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं पत्थर खोद खोद के बनाए हुए हैं, और सामने जो है पॉइंट्स हैं। अभी हम लोग हैं फूड कोर्ट में, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगी हैं, और जो भी आपने खाना पीना है या कुछ भी, वो पीछे शॉप्स जैसा आपको दिख रही हैं, यहाँ पे आप जो है खाना वाना खा सकते हैं। कुछ भी जैसे कुछ शॉप्स जो हैं वो फिलहाल बंद है। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ, ट्यूसडे और वेंसडे जो है वो फैमिली डे होता है, मतलब वहाँ पर नॉर्मल जो लड़के हैं उनको नहीं छोड़ा जाता। सिंपल जो है जो लड़कों ने अगर आना है वो थर्सडे से लेके मंडे तक आ सकते हैं, यहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं। 2 दिन जो है वो फैमिली के लिए। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि फैमिली डे भी होता है। हाँ जी, फैमिली डे भी है। देखिए, मैं घर वालों को सॉरी करना चाहता हूँ, खासकर अपनी अम्मी को सॉरी करना चाहता हूँ, पर पानी देख के मुझसे रहा नहीं गया। पानी बहुत गर्म है, बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, मैं इस वक्त हूँ पीर गैप में, और ये पीर गैप का जो मेन पॉइंट है, ये यहाँ से जो आबशार है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ से जो है वो नेचुरली पानी निकलता है। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। एक बाबा यहाँ पे आए थे दावत इस्लाम के लिए, वो इस्लाम फैला रहे थे यहाँ पे अपनी बहन के साथ। यहाँ पे जो थे पहले भूत प्रस्त थे, वो यहाँ पे रहते थे। तो जब बाबा यहाँ पे आए तो उन्होंने इस्लाम फैलाना शुरू किया। तो यहाँ पे जो भूत प्रस्त थे, जो आपको मानने वाले थे, उन्होंने अपने जो है वो सिपाही भेजे, जो राजा था उन्होंने सिपाही भेजे कि यहाँ पे आप जाएं और उन जो बाबा है उनको मार दें। बाबा जो है वो भागते भागते यहाँ पे पहुँचे थे, और यहाँ पे उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी कि मैं मरना नहीं चाहता और कुछ मुआवजा हो जाए। तो उन्होंने अपनी लाठी जो है वो यहाँ पे कहते हैं कि मारी थी, और यहाँ से वो गायब हो गए थे बाबा, और यहाँ से जो है वो पानी आना शुरू हो गया था, और ये तब से अब तक जो है वो पानी आ रहा है। आप देख सकते हैं ये मेन पॉइंट है जहाँ से पानी आता है। आज तक किसी को नहीं पता कि ये पहाड़ के अंदर से पानी कैसे आ रहा है। देखें, यहाँ आके बहुत हैरानी हो रही है कि इतने पहाड़ से एक पानी निकलता जा रहा है, और 24 घंटे निकलता जाता है। और मज़े की बात तो ये है कि सर्दियों में पानी गर्म होता है और गर्मियों में पानी ठंडा होता है,
कि आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं बहुत सारा। ओके, अभी हम लोग जा रहे हैं आबशार पे जहाँ से वाटरफॉल शुरू होता है, जैसा पीर गैब वाटरफॉल्स है। अभी हम वाटरफॉल पे जा रहे हैं, यहाँ पे जो था ये मेन पॉइंट था, यहाँ से पानी आता था। अब जा रहे हैं जहाँ पे पानी जमा होकर प्यारा सा वाटरफॉल जो बनता है वहाँ पे जा रहे हैं। रहमान रहीम, हम आए हुए फिर गैब, हम अपने दोस्तों के साथ आए हुए, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। माशाल्लाह हम बहुत अरसे से फिर गैब नहीं आए थे, लेकिन जब आ गए फिर गैब पे का अलग ही मज़ा है। इसके साथ माशाल्लाह दोस्तों ने बड़े अच्छे बिरयानी भी बनाए थे, वो खा लिया। अभी ये कढ़ाई बन रहा है हमारा भाई। ओके, ये है पॉइंट जिसे कहते हैं पीर गैब वाटरफॉल्स। वहाँ से पानी जो है वो आता है और यहाँ पे जमा होके आबशार के तौर पे यहाँ से नीचे गिरता है वाटरफॉल्स। ओके, मैं हूँ वाटरफॉल्स के पास और यहाँ पे कहा जाता है कि काइंडली आप जो है वो आगे ना जाएं, क्योंकि ये बहुत गहरा पानी है आगे की तरफ। यहाँ पे तो आपको हल्का हल्का दिख रहा है, लेकिन मेन जो आगे आप जाते हैं वो बहुत गहरा है, तो एडवाइस नहीं है कि यहाँ पे आप तैरें। देखिए, मैं हमेशा बाली की इंडोनेशिया की तस्वीरें देखता रहता हूँ और मुझे यहाँ पे आके सेम वही फीलिंग आ रही है। लग ही नहीं रहा कि ये अपना बलूचिस्तान है, अपना क्वेटा है। आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यहाँ पे आएँ, और यहाँ पे मछलियाँ भी हैं पानी में। आप मेरे पीछे जो ये मज़ार देख रहे हैं, ये पीर गैब का मज़ार है। ये जो है ये उनकी यादगारी में बनाया गया है, ये जो मज़ार है। यहाँ पे लोग आते हैं और दुआएं भी मांगते हैं। ओके, तो ये था पीर गैब वाटरफॉल। यहाँ से जो है पूरे बलूचिस्तान से लोग आते हैं ऐसे आबशार के, क्योंकि ये बाली इंडोनेशिया वाला जो है वो लुक देता है। यहाँ पे काफ़ी लोग फोटो शूट करने भी आते हैं। तो आई होप कि ये ब्लॉग पसंद है। अगर ब्लॉग पसंद है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसे एक वीडियो हर हफ्ते बनाता हूं, मिश लाइक कर दो, फेसबुक पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ट्विटर पे। और मैं तुम लोग से मिलता हूं अगले हफ्ते। बाय बाय।